Hello students, this is our new chapter playing with numbers. This is the last chapter. So let us do the chapter 16 playing with number. Okay, the questions are of a special type question. And I think this first time you are going to do some same types, such type of questions. But these are very simple if you will try to understand the things. Let us see the first question. First question is 3A and 2-5. Here B and 2. So try to understand at first. We find out a number at the place of A, which after addition of 5 will gives you 2. ऐसा कोई नंबर आपको सर्च करना है तो 5 के साथ प्लस करो तो 2 आए यहाँ पे. ऑब्वियसली अगर आप 7 प्लस 5 करते हो तो 12 होता है. तो A की जगह पे आप 7 ले सकते हो. फिर A की जगह पे अगर आपने 7 लिया तो ये 12 टू कैरी 1 आएगा यहाँ. तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और प्लस 2 6. तो बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगा 6. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. यू कैन डू इट अगेन बाय दिस वे. 3 एट द प्लेस ऑफ ए जस्ट राइट 7, बी एट द 2 हियर एट द प्लेस ऑफ 5 एंड दिस विल बी 2 एंड 6. ओके, सो दिस इज द आंसर. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2. 4A98. Addition is there also. CB3. 3, B and C. 4A98. CB3. A में कोई ऐसा नंबर सोचना है जो 8 के साथ प्लस करें तो 3 आए. 3 तो नहीं आएगा, 13 आएगा. तो 13 से हमको 3 मिलता है. तो आप पहले A में सोचो कि क्या 8 में क्या प्लस करेंगे कि 13 आएगा. तो 5, तो आपने 5 लिया. तो 5 प्लस 8 13, कैरी का 1. अब 9, 4 1 5, 5 और 9 14. 14 का यहाँ पे B में आएगा 4, कैरी का 1, C में आ गया 1. तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. A के जगह पे आप डाल सकते हो 5 और B में आप डाल सकते हो 4 और C में डाल सकते हो 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 1A इंटू A. 1A इंटू A और ये देता है 9A. 9 और यहाँ पे A. ऐसा है. तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी सेम नंबर है. तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, 2 लो तो 2 2 जा 4 अलग हो जाता है. 3 लो, 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा. तो 6 में ट्राई करो. 6 इंटू 6 36. 36 का यहाँ पे 6 लिखेंगे तो A में हमारा हो जाता है 6. अब देखो क्या होगा, ये 6 है, ये 6 है. 6 6 या 36, यहाँ भी 6 आएगा, कैरी हो जाएगा 3. और 3 इंटू, अब 1 इंटू A मतलब 6 इंटू A, 6 आएगा प्लस हो जाएगा 3 तो 9. तो A की वैल्यू हो गया इसमें 6. फिर से समझो कि अगर आपने A डाला, A की जगह पे 6 डाला, फिर 6 यहाँ लिखेंगे. 6 6 जाए क्योंकि इंटू का साइन है. 6 6 या 36 और यहाँ पे आएगा 6. तो ये तीनों 6 6 हो गया. फिर कैरी का 3, तो फिर यहाँ पे तो 6 है तो 6 1 या 6 और ये कैरी का 3 प्लस हो जाके 9 हो जाता है. तो A की वैल्यू 6 होगी. एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4.
ए बी 37। And sign of addition is there and 6a. Okay, AB 37 6a. तो b के साथ 7 प्लस करना है और ऐसे प्लस करना है कि यहाँ पे जो नंबर आए फिर वो यहाँ डालेंगे तो इसके साथ प्लस होकर 6 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ से देखें कि हमको 6 लाना है तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब देखते हैं B में क्या हम डालें कि हमको हमारा काम हो जाए। तो B में अगर हम 5 लिखते हैं, 5 और 7 कितना होता है 12, तो ये अगर 5 हुआ और ये 7 12, तो 12 बाय 2 कैरी 1, तो A में हमारा हो गया। अच्छा अभी देख ले कैरी 1। ओके तो B में हमने डाला 5, 7 है, 5 प्लस 7 12, कैरी आता है 1, 1 प्लस 3 4, लेकिन हमको चाहिए 6, तो A का हमारा जो 2 लिया था वो तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो कितना हो जाता है 2 और 3, 3, 3, 6, इट मीन्स B इक्वल टू 5 और A इक्वल टू 2। इस वैल्यूज को आपको पुट कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इंटू 3 सी ए बी, तो मल्टीप्लाई करना है। अब बी में की जगह पे कोई ऐसा नंबर डालें जिसमें 3 को मल्टीप्लाई करें तो वापस बी आए। ऑब्वियसली अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पे तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ए पे कोई एक ऐसा नंबर डालो जिसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो फिर ए आ जाए। तो ऐसा नंबर कुछ हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सोचते हैं बी में हमने जब 0 लिया तो यहाँ 0 लिख दिया। अब आप देखो क्या है, बी में 0 लिया, 0 इंटू 3 0 होता है तो 0, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर था यहाँ भी वही आ गया। अब ए में कुछ ऐसा नंबर सोचिए कि जिसमें 3 मल्टीप्लाई करें तो वापस यहाँ पे ए आए। एक 5 हो सकता है, देखिए 5 3 जा 15, 15 का यहाँ पे 5 आएगा, कैरी का 1 हो जाएगा और 3 के जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। तो ए में हम लोगों ने 5 लिया और सी में आ गया 1। फिर से देखिए बी में ऐसा नंबर डालना था जिसमें 3 मल्टीप्लाई करें तो वापस बी आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सिर्फ 0 है, 0 में आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, मतलब जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब आप ए में ऐसा नंबर डालो जिसमें 3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे सेम ए नंबर आए और एक कोई नंबर यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। तो अगर 5 डालते हो तो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी का 1, तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 को। 7 लेते हैं हम, 7 है ए बी इंटू 6, ए बी इंटू 6 एंड यू विल गेट द सेम नंबर बी बी बी, तो क्या होगा अगर 6 लेते हो तो 6 6 या 36, यहाँ पे 6 आता है, लेकिन फिर ए में ऐसा नंबर डालो कि 6 इंटू करो तो सेम आए, तो नहीं आएगा 6। एक काम करते हैं हम 4 लेके देखते हैं, बी के जगह पे 4, 4 6 जा 24, ठीक है, कैरी का 2, तो 6 आप इसके बाद ए में कोई नंबर डालें और जिससे कि हमारा जो नंबर मल्टीप्लाई करे तो फिर यहाँ पे 4 आए, तो कौन सा नंबर होगा, चलो देखते हैं। अगर हमने बी में 4 लिया है, ए में अगर हम 7 लें क्योंकि ये 2 है कैरी स्टैंड कर रहा है, तो 7 6 का 42, 42 प्लस 2 44 और कैरी का 4, तो ये 4, तो तीनों सेम आ गया। तो ए में हमने लिया है, ए के जगह पे हमने लिया था क्या लिया था 7 और बी में हमारा है 4, तो ए की वैल्यू 7
और b की वैल्यू 4। ऐसा करने से ये तीनों इक्वल हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन लिया था, क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं। नाइन, टू ए बी, ए बी वन, बी वन एट। तो ये क्वेश्चन है, टू ए बी, ए बी वन, बी वन एट। तो b के जगह पे कोई एक नंबर है जिसको हम लिखेंगे, तो 1 प्लस करने पे, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, तो 1 प्लस करने पे 8 होगा। ऑब्वियसली ये 7 होगा, ये 7 है b में हमारा, तो 7 प्लस 1 8, फिर यहां पे 7 आया। अब इस 7 के साथ b पे कोई ऐसा नंबर था, सॉरी b में 7 आया, तो अगर ये 7 है, 7 के साथ कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जो 7 के साथ प्लस करके 1 आए। 1 तो नहीं आएगा, 11 आएगा, तो ये 4 डाल के देखते हैं। 4, तो a में हमने 4 डाला, तो 7 प्लस 4 11, कैरी का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, b पे 7 था, सही आ रहा। तो a और b ही नंबर है। देखिए फिर से देखिए, b पे हमने 7 डाला, तो 7 प्लस 1 8, b यहाँ पे 7 स्टैंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 लिया था, तो ये भी 7 है। 7 के साथ क्या प्लस करें कि 1 तो आएगा नहीं, ऐसे 11 आएगा, तो 4, 7 प्लस 4 11, कैरी का 1 बचा, तो ये 1 और 2 3, और b में हमारा था नहीं, तो 1 और 2 3, 3 और a था हमारा 4, तो 3 प्लस 4 7, b हमारा 7 था। तो इस तरह से ये हमारा सही है, a में 7 और b में 4, a में 4 b में 7। एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 a एंड 6 a b, 6 a b, 1 a 0 9, ए जीरो लाइन। हाँ, तो ए में कोई एक वैल्यू डालें और बी में भी एक वैल्यू डालें, जिससे दोनों को प्लस करें तो 9 आ जाए। ऑब्वियसली ए में आप 1 अगर डालो तो बी में 8 डालोगे, तो वैसा होगा। लेकिन 8 उल्टा तो हो सकता था कि ए में हमने 8 डाला और बी में 1, ऐसा भी काम कर सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसा अगर करेंगे तो 8 प्लस 1 9 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर 8 और 2, ए के जगह पे 8, हाँ ए में हमको अगर ऐसा डालते हैं तो 1 प्लस 8 9 तो हो गया, लेकिन अगर हम 2 के जगह पे, 2 ठीक है, ए में 1, तो 2 और 1 3, 0 तो नहीं आता। तो ये हमारा जो है, इसको एक्सचेंज करके देखते हैं कि क्या बनता है। अगर यहाँ 8 लिया, यहाँ 1 लिया, तो 8 प्लस 1 9, अब यहाँ पे फिर आप 8 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 8 और 2 10, कैरी का 1, और 2 और 6 8, a में 8 था तो आ गया। तो a की वैल्यू हमारी 8 है और b की वैल्यू हमारी 1। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।